हेलो दोस्तों, माय सेल्फ करण, और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी सेक्स एजुकेशन की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो के बारे में, जिसका विषय है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए बिना हम शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्टों में बटा हुआ है, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत हमारी ओवरीज आती हैं एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स आती हैं। तो अब हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे, पर उससे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले प्रत्येक ऑर्गन्स की लोकेशन को जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या फर्क है जो दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोकेशन के साथ। तो फीमेल्स में एक पेयर होती है ओवरीज जो कि एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ये एक पेयर होती है, एक लेफ्ट और एक राइट पर स्थित है। फिर ओविडक्ट्स होती हैं जिन्हें फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फिर आता है हमारा यूट्रस एंड फिर सर्विक्स, फिर वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया एंड वन पेयर मेमरी ग्लैंड्स जो कि फीमेल्स में चेस्ट रीजन में पाई जाती हैं। अब हम यदि बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के फर्क की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और स्वाभाविक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते होंगे, इसीलिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। पर ये हेल्प करते हैं हमारी ओवुलेशन में, प्रेगनेंसी में, फर्टिलाइजेशन में। अब जिन लोगों को गैमेट्स नहीं पता है, तो गैमेट्स जो है मेल्स में स्पर्म होते हैं एंड फीमेल्स में एग होते हैं एंड स्पर्म एंड एग मिलके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं एंड उससे बन जाता है एक न्यू बेबी। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रत्येक पार्ट के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे ओवरी के साथ और खत्म करेंगे मेमरी ग्लैंड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह पार्ट जहां गैमेट का फॉर्मेशन होता है और कुछ हार्मोन्स भी यहीं से रिलीज होते हैं। यह लगभग 2-4 सेंटीमीटर की लंबी होती है और एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में पाई जाती है और यह यूट्रस की वॉल से लिगामेंट से अटैच होती है, जिससे वो इधर उधर कहीं भटकती आत्मा की तरह घूमती नहीं है, एक जगह पर स्थित रहती है। ये एक पेयर होती है, एक लेफ्ट एंड एक राइट में। इससे निकलने वाले एग जो हैं वो अल्टरनेट होते हैं, यानी कि यदि इस मंथ राइट वाले से एग निकल गया तो अगले मंथ लेफ्ट वाले से निकलेगा और निकलने के बाद एम्पुला पर पहुंचेगा जहां पर स्पर्म पहुंचेंगे एंड स्पर्म एंड एग आपस में फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना देंगे और एक न्यू बेबी का निर्माण करेंगे जो कि यूट्रस की वॉल से आकर अटैच हो जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। हालांकि ऐसा नहीं है कि जायगोट फॉर्मेशन के तुरंत बाद ही बेबी का फॉर्मेशन हो जाए, उसके लिए टाइम लगता है। आप भी जानते हैं 9 मंथ का, उस 9 मंथ के दौरान में बेबी का डेवलपमेंट होता है, फिर जाके कहीं बेबी का बॉर्न होता है। अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब होती क्या है। असल में फेलोपियन ट्यूब वह होती है जिसकी मदद से एग यूट्रस तक पहुंचते हैं। यदि फेलोपियन ट्यूब में एग एंड स्पर्म का मिलन होता है तो एग फर्टिलाइज होता है और उसके बाद वही एग जो है यूट्रस तक पहुंचता है, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और यदि हम फेलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो लगभग यह 10-12 सेंटीमीटर की होती है एंड फेलोपियन ट्यूब 3 पार्टों में डिवाइड होती है, फर्स्ट इन्फंडिबुलम, सेकेंड एम्पुला एंड थर्ड स्थमस। तो फर्स्ट इन्फंडिबुलम, ये फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे फिमरी कहते हैं, ये ओवरी से अटैच होता है। और अगर हम सेकेंड बात करें तो एम्पुला जो है इन्फेंडिबुलम आगे चलकर एक चौड़े पार्ट में खुलती है जिसे एम्पुला कहते हैं। ये वही जगह होती है जहां एग एंड स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होते हैं एंड आगे चल के एक जायगोट का फॉर्मेशन करके न्यू बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड लास्ट पार्ट होता है स्थमस,
तो ये फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है और सकरा पार्ट होता है। ये यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब को अटैच करके यानी जोड़ के रखता है। अब हम बात करेंगे यूट्रस की, जिसे हम हिंदी में गर्भाशय और आम भाषा में बच्चादानी भी कहते हैं। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसकी जो वॉल होती है 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसकी वॉल से मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी ये पार्ट इसकी वॉल होती है। इसकी वॉल 3 टाइप की होती है, फर्स्ट एंडोमेट्रियम, सेकेंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड पेरीमेट्रियम। आप यूट्रस को अपनी भाषा में इस तरह भी बोल सकते हैं कि यह वह जगह होती है जहां पर एग एंड स्पर्म के मिलन से बना जाइगोट आता है एंड यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा के थ्रू चिपक जाता है, यानी जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 महीने तक, वही पार्ट होता है हमारा यूट्रस। अब हम यदि बात करें सर्विक्स की, तो यह सर्विक्स वेजाइना की ओपनिंग होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेनिस से निकलने वाला सीमेन इसी सर्विक्स ग्रीवा से इंटर करके यूट्रस तक जाता है और इसमें कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं जिससे फीमेल की जो वेजाइना है वो स्मूथ एंड चिकनी बनी रहती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स के वेजाइना के बारे में। इसे हिंदी में योनि भी कहते हैं। ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। फीमेल्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फीमेल का यही पार्ट होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसी में मेल का पेनिस इंटर करता है। यह 2 लेयर से बनी होती है, फर्स्ट मस्कुलर लेयर, इसी लेयर के कारण वेजाइना में सिकुड़न और फैलाव होता है, एंड सेकेंड म्यूकस लेयर, यह लेयर रफ होती है लेकिन इससे म्यूकस सिक्रेट करने वाले ग्लैंड होते हैं जिससे वेजाइना चिकना और स्मूथ बना रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह पार्ट है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गन्स देखे वो इंटरनल थे। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस, ये वाला पार्ट गौर से देखिए, ये वाला पार्ट, तो यह एक फैटी टिश्यू का बना हुआ उभरा पार्ट है जिसमें हेयर भी पाए जाते हैं। एंड सेकेंड लेबिया मेजोरा, यह स्किन की एक फोल्डिंग होती है जो मॉन्स प्यूबिस से लेकर वजाइनल ओपनिंग तक रहती है, ये वाला पार्ट। एंड थर्ड लेबिया माइनोरा, यह भी एक स्किन की फोल्डिंग होती है जो लेबिया मेजोरा से नीचे स्थित होती है। फोर्थ है हाइमन, ये वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली घेरे रहता है जो कि ये वाला पार्ट है। आप थोड़ा इस पार्ट को ध्यान में रखिएगा, इस पर हम लास्ट में बातचीत करने वाले हैं। एंड फाइव क्लाइटोरिस, क्या आपको पता है कि फीमेल्स में क्लाइटोरिस मेल के पेनिस की जैसे होता है। इंटरकोर्स के समय ये इरेक्ट हो जाता है और इंटरकोर्स के समय बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आखिरी पार्ट के बारे में, जो कि हैं मेमरी ग्लैंड्स। यह फीमेल के चेस्ट रीजन में पाई जाती हैं और यह एक पेयर होती हैं। इसमें 15-20 मेमरी लोब्स होते हैं जिनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। मेमरी ग्लैंड्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसमें हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। हो सकता है अगले वीडियो पर हिला दें, और मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि अगला वीडियो किस पर लाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो से रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में। तो गाइस, मैंने आपसे हाइमन को ध्यान देने के लिए कहा था क्योंकि हाइमन पहले इंटरकोर्स के दौरान फट जाता है। हालांकि ये कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने से, बाइसाइकिलिंग करने से, एक्सरसाइज करने से भी फट सकता है, और कुछ फीमेल्स का हाइमन इंटरकोर्स के बाद भी नहीं फटता। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हाइमन के फटने से महिला की वर्जिनिटी पर शक करते हैं और उसे करेक्टरलेस बताते हैं, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जरा रुकिए रुकिए, आपसे थोड़ा एक बात करना है। हमारे चैनल में सेक्स एजुकेशन के साथ साथ हिस्ट्री पर भी वीडियो आ रही हैं, तो उन्हें भी जाइए और उन्हें भी देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें।
थैंक यू।